हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उनके लिए जो है मैं उनका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेके आ रखा हूँ जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं आप लोगों के फरवरी और मार्च में। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है जो आप लोगों का बुक का कोड है वो शो हो रहा होगा GECH01। तो यहाँ पे जो है उसके बाद जो आपका बुक का नाम है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि सेम टाइमिंग आपका यहाँ पे रहने वाला है, 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा और जो ये पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे से जो ये क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं। तो ये जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, खंड क और ख। तो खंड क में आप लोगों को जो है 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से सिर्फ आप लोगों को 2 क्वेश्चन का ही आंसर करना होगा। और यहाँ पे जो 1 क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का वो रहेगा यहाँ पे 26 मार्क्स का। तो यहाँ पे जो आप लोगों को ये क्वेश्चन हो रहे हैं इन क्वेश्चंस में से 1 क्वेश्चन आपका जो है ज़रूर रिपीट होगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन हो रहे हैं इन क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को अपनी बुक से जो है पढ़ लेना है, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो इन 5 में से तो आप लोग जो हैं इजीली उसका आंसर करके आ पाएँ। और यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ इसमें से जो है 1 क्वेश्चन आप लोगों का ज़रूर रिपीट होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका खंड क के बाद आ जाता है खंड ख। तो खंड ख में आप लोगों को जो है 8 क्वेश्चन होंगे जिसमें से सिर्फ आप लोगों को जो है 4 क्वेश्चन का ही आंसर करना होगा। और यहाँ पे जो आप लोगों का 1 क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आप लोगों का 12 मार्क्स का। तो जैसे हमारा यहाँ पे खंड क था 52 मार्क्स का, वैसे ही आप लोगों का जो खंड ख है वो रहेगा आप लोगों का 48 मार्क्स का। तो यहाँ पे भी जो आप लोगों को ये क्वेश्चन हो रहे हैं जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है इसमें जो है खंड ख में आपके 8 क्वेश्चन हैं। तो इन 8 में से आप लोगों का जो अभी एग्ज़ाम होगा उसमें जो है 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनका जो आंसर है वो एक बार अपनी बुक से देख लेने हैं, ताकि अगर कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो तो उस टाइम जो है आप लोग क्वेश्चंस के आंसर करके आ पाएँ और ईजिली अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे इस सब्जेक्ट में। और साथ ही मैं यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 13 क्वेश्चंस हैं। तो 13 क्वेश्चंस के बारे में अगर आप लोग पढ़ते हैं अपनी बुक से तो इसमें से जो है आप लोगों के 3 या 4 क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होंगे। तो अगर 3 या 4 क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं तो इजीली आप लोग 40+ क्रॉस करेंगे इस सब्जेक्ट में। और आप लोगों को बता दूं कि अगर यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों का जो है रिजल्ट अनाउंस करेगी तो उसके लिए जो है मैंने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, ताकि अगर कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आए तो उस टाइम आप लोगों के साथ मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर पाऊँ। तो अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही में जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि अगर कोई भी आगे नोटिफिकेशन आएगी तो वीडियोज़ आपको चैनल पर दिखाई देने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको हमारी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।